Good morning, student. Today we will continue the chapter. कल हमने ईश्वरन द स्टोरी टेलर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था. आज हम इसको आगे पढ़ेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अब हम इसमें जो ईश्वरन के बारे में पढ़ेंगे. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he रीड. देखो उस जब हम इस उसके स्वयं के वृतांत डिस्क्रिप्शन उसके हाव भाव के बारे में हम पढ़ेंगे तो जो तमिल जो राइटर्स हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. वैन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट. जब कभी भी वो किसी छोटी सी भी घटना का यदि वर्णन करता था तो ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस. तो वो कोशिश करता था कि उसमें रहस्य हो. एंड ए सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट. और आश्चर्यजनक अंत उत्पन्न करने का प्रयास करता था कि लास्ट में कुछ ऐसा सरप्राइज हो. फॉर एग्जाम्पल जिस उदाहरण के तौर पर हम एक पढ़ेंगे जैसे इंस्टीड of saying that he had come across an uprooted tree on the highway. जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे अगर उसे कभी ये बताना हो कि उसने रास्ते पर सड़क पर जड़ से उखड़ा हुआ एक पेड़ देखा था. जैसे नॉर्मली होता है कि हम भाई कोई पेड़ सड़क के ऊपर गिरा हुआ मिल जाता है. अगर उसको इस पेड़ की डिस्क्रिप्शन करनी है तो देखो किस तरह से बताता था. ही वुड से वो कहता विद आईब्रो स्टेबली आग अपनी भौं को चढ़ाकर हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक जेस्चर और अपने हाथों को एक नाटकीय रूप में हिलाते हुए कहता द रोड वाज डिजर्टेड. सड़क बिल्कुल सुनसान थी. एंड आई वॉज ऑल अलोन और मैं बिल्कुल अकेला था. सडनली अचानक मैंने देखा आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड. जैसे बताता कि सड़क बिल्कुल रेगिस्तानी और सुनसान थी और मैं बिल्कुल अलग अकेला था. अचानक जब सड़क पर मैं कोई वस्तु देखता तो ऐसा लगता था मानो कोई बहुत बड़ा झाड़ीदार पशु सड़क के आर पार पड़ा हुआ है. उसको ऐसा लगा. आई वॉज हाफ इंक्लिंड टू टर्न. पहले तो मैंने सोचा एंड गो बैक कि वापस लौटने का मेरा थोड़ा आधा मन हुआ. बट एज आई कम क्लोजर लेकिन जैसे मैं थोड़ा पास आया आई सा मैंने देखा That it was a fallen tree. अरे ये तो एक टूट कर गिरा हुआ पेड़ था. With its dry branches spread out, उसकी जो सूखी डालियाँ थी वो चारों ओर फैली हुई थी. महेंद्रन would stretch himself back in his canvas chair and listen to the Iswaran tales uncritically. और जो महेंद्र था वो अपनी किरमिच की जो कुर्सी थी उस पर लेटा हुआ और ईश्वरन की कहानियों की आलोचना किए बिना ध्यान से सुनता रहता था. टर्न योर पेज. The place I come from is a famous for timber. Iswaran would begin. जैसे ईश्वरन बताता कि जिस प्लेस से मैं जिस स्थान से आया हूँ वो स्थान लकड़ी के लिए टिम्बर के लिए बहुत प्रसिद्ध है. There is a richly wooded forest all around. और चारों तरफ वहाँ पर लकड़ी के घने घने गहरे जंगल हैं.
The logs are held on to the lorries by elephant. वो बड़े बड़े हाथियों के द्वारा बड़ी बड़ी लोरियों में इन लकड़ियों को भरकर ले जाया जाता है. They are huge, well fed beast. ये बहुत बड़े बड़े और अच्छे खाए पिए जंगली हाथी होते हैं. When they turn wild, और जब आपको पता है जब ये जंगली हो जाते हैं, even the most experienced महावत is not able to control them. तो कई बार जब हाथी थोड़ा पागल हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, तो अच्छे से अच्छा महावत भी उनको नहीं संभाल पाता है. After this prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. इसके इतनी बात बताने के बाद जो ईश्वरन है वो एक जंगली हाथी की तरह व्यवहार करता है और ज़मीन पर कुदक कर वो इस तरह के मूवमेंट करता है जैसे कि मदमस्त हाथी करता है. वन डे ए तस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट. एक बार क्या था, एक ऐसी एलिफेंट था जो कि लकड़ी के यार्ड से बच निकला था और सड़क पर आवारा घूमने लगा. स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, झाड़ियों को कुचलता हुआ. टीयरिंग अप विद क्रीपर्स, बेलों को चीरता हुआ, तोड़ता हुआ. ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और पेड़ों की शाखाओं को तोड़ता हुआ. यू नो सर, आप जानते हो हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड. आपको पता है जब एक हाथी पागल हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, तो किस तरह का व्यवहार वो करता है. ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जम्प अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमोलेशन ऑफ हिज मैड एलिफेंट. ईश्वरन फिर खुद ऐसा व्यवहार करते हुए और उत्तेजित होकर इस कहानी से और उठ खड़ा होता है फर्श के ऊपर, कभी जंप करता है और एक पागल हाथी की तरह व्यवहार करता है कि किस तरह से उसने व्यवहार किया. द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर ओन ब्रेकिंग द फेंसेज डाउन लाइक मैच स्टिक्स. हाथी जो था हमारे नगर के बाहर आ गया और दीवारों को जैसे माचिस की तीलियों को तोड़ते हैं ना, इस तरह से वो दीवारों को तोड़ रहा था. इट वुड कंटिन्यू लगातार. इट केम इन टू द मेन रोड, उसके बाद एक मुख्य सड़क पर आ गया. एंड स्मैश ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट, जैसे जो फलों की जो दुकानें थी उनको नष्ट कर दिया. मड पॉट्स, मिट्टी के बर्तनों को, क्लोथ कपड़ों को. पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग दुखी होकर इधर उधर भागने लगे. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, और अब जो हाथी है वो एक स्कूल के ग्राउंड में जाकर घुस गया. वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे. ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंटों की दीवार को तोड़कर उसके अंदर घुस गया. ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम, सभी लड़के घबराकर और कक्षा में भाग जाते हैं. एंड सेट द डोर्स टाइट, और कसकर दरवाजों को बंद कर लेते हैं. द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, जो हाथी था वो चिंगाड़ता है और इधर उधर घूमता है. पुलिंग आउट ऑफ द फुटबॉल पोस्ट गोल पोस्ट, उसने फुटबॉल खेलने के जो मैदान में जो गोल का पोस्ट था उसको भी खींच लिया. टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वो वॉलीबॉल का जो नेट था उसको भी तोड़ दिया. किकिंग एंड फ्लैटिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, और पानी भरने के लिए जो ड्रम रखा था उसको भी किक मारकर गिरा दिया. एंड अपरूटिंग द सर्प, झाड़ियों को उखाड़ दिया. मेनवाइल इसी दौरान All the teachers had climbed up by the terrace of the school building. इसी दौरान सभी अध्यापक स्कूल की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी उस पर चढ़ गए. From there they helplessly watched the depredation of the elephant, और वहाँ हताश होकर वो इस नज़ारे को देख रहे थे.
देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, नीचे एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। द स्ट्रीट वर एम्प्टी, गलियां बिल्कुल खाली हो गई थी। एज इफ द इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट कहते निवासी, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, और गलियां ऐसे खाली पड़ी थी मानो संपूर्ण नगर के निवासी अकस्मात कहीं पर गायब हो गए हो। ओके स्टूडेंट, स्टोरी को आगे पढ़ने के लिए कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर।